खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई साजिश, पुलवामा हमले की तरह एक और हमला, कार बम से सीआरपीएफ के काफिले पर निशाना। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक और लठपुरा जैसा ही हमला करने की साजिश जो है ना वो विफल हो गई है। ये वो गाड़ी है जिसमें विस्फोटक भर के सीआरपीएफ की कॉन्वॉय को निशाना बनाने की कोशिश हुई। आत्मघाती हमलावर का प्लान फेल। तरीके का हमला यहाँ पे हुआ था, एक फिदाई हमला जिस मूविंग व्हीकल आईडी यानी MVID का इस्तेमाल करके एक और लठपुरा करने की कोशिश की। कायर आतंकियों का खूनी गेम। पुलवामा आतंकी हमले के 1.5 महीने बाद एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की है। एक बार फिर दहशतगर्दों ने वतन के रखवालों को बम से उड़ाने की कोशिश की है, लेकिन खुशकिस्मती से आत्मघाती हमलावर का प्लान फेल हो गया और अब हमले की साजिश की इस नई कहानी ने पूरे देश में फैला दी है सनसनी। जम्मू कश्मीर हाईवे पर तबाही के ये निशान एक नाकाम आतंकी हमले के हैं। एक ऐसा हमला जो अगर कामयाब हो जाता तो पता नहीं कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। जी हाँ, 1.5 महीने पहले जिस अंदाज में एक आत्मघाती हमलावर ने पुलवामा के लेथपोरा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था, विस्फोटकों से लदी अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर सीआरपीएफ की बस को उड़ा दिया था। एक जोरदार धमाके के साथ ही सीआरपीएफ के 40 जवानों की जिंदगी छीन ली थी। एक बार फिर ठीक उसी तरह यहां भी सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ है। एक बार फिर एक आत्मघाती हमलावर ने कार बम से सीआरपीएफ की बस को उड़ाने की कोशिश की है। एक बार फिर जोरदार धमाके से सीआरपीएफ के जवानों की जान लेने की कोशिश की गई है और अब नाकाम हमले की इस कहानी ने पूरी घाटी को थर्रा दिया है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बनिहाल की हैं। सूत्रों के मुताबिक शनिवार सुबह 10:30 बजे सीआरपीएफ का काफिला श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रहा था और तभी अचानक काफिले में कार बम के साथ आत्मघाती हमलावर भी घुस गया। विस्फोटकों से लदी कार को हमलावर ने सीआरपीएफ के जवानों से भरी इस बस के पीछे से टक्कर मारी, लेकिन खुशकिस्मती से विस्फोट नहीं हुआ। सूत्रों की माने तो आत्मघाती हमलावर उसके बाद बेहद डर गया और फिर अपनी कार से कूदकर भाग गया। बेकाबू कार ढलान पर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए गिरी और फिर उसमें धमाका हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें आग लग गई। वाकया सर, हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ तकिया ठहर बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये जो जगह है बोलते हैं जी, गैस की गाड़ी थी उसमें ब्लास्ट हुआ है। अच्छा, जो ही हमें मैसेज मिले तो हम फौरी आ गए, या पुलिस वगैरह सारे थे तो यहाँ पर मौके पर आप देखिए क्या है क्या नहीं है। अच्छा, तो हमने फिर आते ही मतलब जिस वक्त आप पहुंचे उस वक्त गाड़ी जल रही थी। गाड़ी जल रही थी और ब्लास्ट हुआ था, ये पूरे यहाँ देखो बिखरा है सारा सामान। हाँ, वो तो पीछे बिखरा हुआ है। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद मौके पर जब एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो चारों तरफ तबाही के निशान बिखरे पड़े थे। आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ की 54 वाहिनी की बस नंबर HR 6680 को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इस नाकाम हमले में बस के पिछले हिस्से का शीशा टूट गया। आग लगने की वजह से पिछला हिस्सा थोड़ा काला भी हो गया, लेकिन बस में सवार सभी जवान सुरक्षित बच गए। सूत्रों के मुताबिक आत्मघाती हमलावर मौत की पूरी प्लानिंग के साथ आया था। पुलवामा आतंकी हमले के बाद कश्मीर में सीआरपीएफ का काफिला जब सड़कों पर निकलता है तो आम नागरिकों की आवाजाही रोक दी जाती है
और इसलिए दहशतगर्दों ने इस बार सीआरपीएफ के काफिले को जम्मू के पास बनिहाल में निशाना बनाने की कोशिश की। इस इलाके से सीआरपीएफ का काफिला जब गुजरता है तो आम नागरिकों की आवाजाही भी सड़कों पर जारी रहती है और इसी बात का फायदा उठाकर विस्फोटकों से लदी कार के साथ आत्मघाती हमलावर सीआरपीएफ के काफिले में घुस गया था। खुशकिस्मती से उसका प्लान फेल हो गया और सीआरपीएफ के जवानों की जिंदगी बच गई। अर्धसैनिक बल, एनआईए और बाकी जो संगठन है उनके लोग भी पहुंचे हैं और उन्होंने इस पूरी गाड़ी की जांच की है, लेकिन जो बात सामने आई है वो यही है कि जो फिदाई हमलावर था शायद आखिरी मौके पर उसकी मंशा बदल गई और उसने एक फिदाई हमले को अंजाम देने से पहले ही अपनी शायद इरादा बदल दिया, कमजोर पड़ गया और वो गाड़ी यहीं पे छोड़ के भाग गया। लेकिन धमाका फिर भी हुआ, शायद उस तीव्रता का धमाका नहीं हुआ जिसकी कोशिश थी और एक और लचपुरा होते होते बच गया। रक्षा सूत्रों के मुताबिक आत्मघाती हमलावर जिस सेंट्रो कार में बैठकर आया था वो विस्फोटकों से भरी थी। कार में एक छोटा और बड़ा एलपीजी सिलेंडर भी रखा था। दहशतगर्दों की योजना धमाके के बाद ज्यादा से ज्यादा नुकसान की थी, लेकिन टेरर का ये प्लान फेल हो गया और बस में बैठे सीआरपीएफ जवानों की जिंदगी बच गई। 14 फरवरी को पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, ठीक उसी तरह बनिहाल में भी आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश की। खुशकिस्मती से आतंकियों की मौत का यह प्लान तो फेल हो गया, लेकिन हमले की इस साजिश ने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बनिहाल में सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाने के लिए जो आत्मघाती हमलावर विस्फोटकों से लदी कार में बैठकर आया था वो हमले के नाकाम होने के साथ ही मौके से भाग गया। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो हमलावर कौन था और इस वक्त कहां छुपा बैठा है। इस नाकाम आतंकी हमले के बाद मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनआईए की टीम भी मौके पर जांच के लिए पहुंच गई है। एनआईए की टीम मौके से साजिश के हर सबूत जुटा रही है। सेंट्रो कार किसकी है, कहां इसमें विस्फोटक भरे गए, आत्मघाती हमलावर कहां से ड्राइव करते हुए आया और वो कैसे सीआरपीएफ के काफिले में घुस गया, इन तमाम सवालों की अब गहराई से जांच की जा रही है। और ऐसे में जब तक साजिश की ये पूरी कहानी सामने नहीं आ जाती, सुरक्षा एजेंसियों को भी चैन नहीं है। पुलवामा हमले के बाद गृह मंत्रालय ने आदेश दिया था कि जम्मू और श्रीनगर के बीच जब भी सुरक्षा बलों का काफिला गुजरेगा उस दौरान किसी भी सिविलियन गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे में यह सेंट्रो कार काफिले के बीच में कैसे आ गई, इस बात की अब पड़ताल की जा रही है। खबर है कि मौके से एक संदिग्ध लेटर भी बरामद हुआ है, हालांकि सीआरपीएफ ने इसकी पुष्टि नहीं की है। आतंकियों ने पुलवामा हमले के 1.5 महीने के अंदर ही एक बार फिर सीआरपीएफ के जवानों को आत्मघाती हमले में निशाना बनाने की कोशिश की है और ऐसे में जरूरत है आतंकी हर साजिश से सावधान रहने की। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने बदले की कार्रवाई करते हुए जिस तरह से पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकियों पर हवाई हमला किया, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा, उससे आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान बेहद बौखलाया हुआ है। भारत के हवाई हमले में 300 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और इसी बात ने आतंकियों के आकाओं को भी थर्रा दिया है। बड़े पैमाने पर दहशत गर्दों के खात्मे के बाद उनके आका भारत से बदला लेना चाहते हैं और इसलिए पाकिस्तान सेना के साथ मिलकर वो हमले की नई नई साजिश रच रहे हैं। बनिहाल में सीआरपीएफ के काफिले में पुलवामा हमले की तरह ही आत्मघाती हमले की कोशिश की गई, लेकिन ये हमला नाकाम हो गया। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि हमलावर आसपास ही कहीं छुपा बैठा है और अब उसकी खोज की जा रही है। किसी भी तरह की आशंका को देखते हुए जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट की घोषणा कर दी गई है।
इसी बीच दहशत गर्दों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से भी हमला किया है। हमले में सुरक्षा बल का एक जवान घायल हो गया। सुरक्षा कर्मियों के मुताबिक ये हमला शनिवार दोपहर को किया गया। ग्रेनेड विस्फोट में जवान को मामूली चोट आई है। हमले के बाद इलाके को चारों ओर से घेर लिया गया और आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी गई है। अनंतनाग में भी आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। यहां 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। यहां हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंक के खूनी प्लान से दहशत फैलाना चाहता है। अपने पाले पोसे आतंकियों के जरिए वो भारत में बड़े पैमाने पर खून खराबा कराना चाहता है। ऐसे में जरूरत है पाकिस्तान की हर नापाक चाल से सावधान और सचेत रहने की। सनसनी के लिए दिल्ली से नीरज राजपूत के साथ जम्मू कश्मीर से आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। सन्नाटे को चीरती सनसनी जारी है। आगे देखिए एक स्कूल में छात्र की मर्डर मिस्ट्री और कब्र का रहस्य। स्कूल में छात्र का मर्डर। स्कूल में ही छात्र की कब्र। सवालों के घेरे में स्कूल का मैनेजर। एक स्टूडेंट की मर्डर मिस्ट्री। वो बच्चा अपने माँ बाप की आंखों का तारा था, उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। लेकिन एक दिन गरीब माँ बाप से उनका सहारा छीन लिया गया। कुछ जालिमों ने स्कूल में उस बच्चे की कब्र बना दी, लेकिन कब्र में दफन होने के बाद भी छुप नहीं सके गहरी साजिश के रास। रो रो कर बेहाल ये पिता। पहले भी हमें मैंने जब धमकी दे रहा और आगे भी कितने बच्चा मरा हुआ, लेकिन हमें भर्ती कर दिया। खुद को संभाले भी तो कैसे। कुछ जालिमों ने इसकी दुनिया उजाड़ दी और ये आंसू बहाने के सिवाय कुछ नहीं कर पाया। ये बेबस शख्स उसी मासूम बच्चे का पिता है जिसे देहरादून के एक स्कूल में पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस बदनसीब पिता ने आरोप लगाया है कि स्कूल मैनेजमेंट ने बच्चे के मर्डर की बात छुपाई और कत्ल की वारदात को हादसा साबित करने के लिए झूठी कहानी पेश कर डाली। रात को 2 बजे मेरठ से आया, आए तो बच्चा वहाँ पूछा, सर मेरे बासु यादव का बच्चा कहाँ है। बोला बच्चा दुनिया में नहीं रहा, ऐसे बोला डॉक्टर ने। तो यही आज 2:30 बजे बोलता बच्चा खाना खाया और गला में अटक गया। बोला लड़का को मारे हैं, दम फूट जा रहा। किस तरह से मारा गया उसको? छाती में मारा, मुंह में मारा, पीठ में मारा। देहरादून के स्कूल में एक छात्र के मर्डर की ये सनसनीखेज वारदात 10 मार्च को हुई थी। देहरादून के रानी पोखरी इलाके में चलने वाले इस स्कूल का नाम है चिल्ड्रन एकेडमी। इस स्कूल में ज्यादातर ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जिनके माँ बाप बेहद गरीब हैं। मृतक छात्र को भी उसके माता पिता ने अपनी गरीबी और बीमारी की वजह से ही यहाँ पढ़ने भेजा था, लेकिन उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके जिगर का टुकड़ा स्कूल में ही एक गहरी साजिश का शिकार बन जाएगा। वो साजिश थी स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले कुछ सीनियर छात्रों की। बैट से जो है उसकी पिटाई की और इनके द्वारा जो है उसके बाद जो वार्डन इत्यादि थे और जो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल थे बच्चे की हेल्थ के लिए, उन्होंने भी इसमें तत्परता ना दिखाकर साक्ष्य जो है छुपाए, जिसकी वजह से जो है उनको भी साक्ष्य छुपाने में इस घटना के कारित होने के लिए दोषी दोषी मानते हुए उनको जो है अरेस्ट किया गया और कोर्ट में रिमांड के लिए भेजा गया।
पुलिस की माने तो स्कूल के सीनियर छात्रों ने मामूली बात पर 12 साल के बच्चे की जिंदगी छीन ली। बताया जा रहा है कि एक दिन उसने स्कूल के नजदीक एक दुकान से बिस्किट का पैकेट उठा लिया था। इसके बाद हॉस्टल वार्डन ने भी सभी बच्चों के बाहर जाने पर रोक लगा दी और इसी से गुस्साए सीनियर छात्रों ने उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। किसी जगह से उस बच्चे ने ये बिस्किट का पैकेट उठा लिया गया था, जिसकी वजह से सभी को जो है बाहर आउटिंग के लिए मना कर दिया गया था। उसमें दो जो सीनियर छात्र थे जो कि मेजर हैं, उनके द्वारा इस बात पर जो है बच्चे की क्लासरूम में पिटाई की गई। पुलिस के मुताबिक इस मामले में स्कूल मैनेजमेंट की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। हैरानी की बात है कि जिस वक्त स्कूल में बच्चे को पीटा जा रहा था तो उसे बचाने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। यही नहीं, आरोप है कि छात्र की मौत के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने डॉक्टरों से एक फर्जी रिपोर्ट भी तैयार करवाई थी, जिसमें मौत की वजह फूड पॉइजनिंग बताई गई थी। इस फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर स्कूल ने छात्र की मौत के सच पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उत्तराखंड के बाल आयोग के दखल से आरोपी छात्रों और स्कूल मैनेजमेंट की साजिश बेपर्दा हो गई। तो क्यों नहीं पुलिस को इस बीच में इन्फॉर्म किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। पुलिस को इमीडिएट खबर ना देना, अपने आप ट्रीटमेंट करवाना और उसके बाद में जो रिपोर्ट वहाँ से दी जा रही है वो रिपोर्ट भी अपने आप में सवालिया निशान लगाती है आपके हॉस्पिटल पे। अब इसके बाद में आ गया मामला आपका कि उस आपने उसको जिस तरह से आपने बच्चे को दफन किया, तो वो जिस हिसाब से उसको दफन किया क्योंकि वो हिंदू परिवार का बच्चा था। बाल आयोग की अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि स्कूल में बच्चों का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। मृतक छात्र के माता पिता हिंदू हैं, जबकि स्कूल मैनेजमेंट ने उसे दफना दिया था। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। बाल आयोग ने इस मामले को लेकर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। हमने उसको क्योंकि हमने वहाँ भी इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद में हम लोग स्कूल में गए वहाँ पे, उसके बाद में हम जहाँ पे गर्ल्स रहती हैं गर्ल्स हॉस्टल वहाँ पर भी गए, सभी बच्चों से सारी चीज़ें हम लोगों ने पूछी और कई सारी चीज़ें वहाँ पे अभी भी हमारे सामने कई सवालों के प्रश्न अभी तक हल नहीं हुए हैं। एक स्कूल के अंदर बच्चे की हत्या के मामले का खुलासा जब से हुआ है तभी से उत्तराखंड में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में दो सीनियर छात्रों और स्कूल के टीचर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन संगीन आरोपों से घिरा स्कूल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा अधिकारी अब भी गिरफ्त से बाहर है। साथ ही बच्चे के कत्ल की साजिश से जुड़े कई राज अब भी बेपर्दा होने बाकी है। सनसनी के लिए देहरादून से ध्रुव मिश्रा के साथ अजीत राठी की रिपोर्ट। सनसनी में अभी बस इतना ही, कल दोपहर 12:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़।